वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ASUSC का असेसमेंट कैलेंडर जो कि 9 से 12 क्लास तक के लिए है। इसी सेशन 2023-24 के लिए 2023-24 के लिए। तो आपका जो इंटरनल असेसमेंट्स होने हैं वो तीन असेसमेंट होते हैं बेटे, हर यूनिट का, हर यूनिट प्लान का एक अलग से इंटरनल असेसमेंट होता है। तो जो पहला आपका जो UP हुआ था, पहला यूनिट प्लान जो हुआ था, उसका 30/7/2023 तक सबमिशन हो गया है इंटरनल असेसमेंट का। दूसरा UP जो था उसका इंटरनल असेसमेंट आपका 20 अगस्त तक हो जाएगा। तीसरा जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा उसका डेटा आपका 15 सितंबर तक यानी कि 15th ऑफ सितंबर तक सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपका रेडीनेस असेसमेंट होगा जिसे कि आप एक तरीके से प्रिपेरेटरी एग्ज़ाम कह सकते हैं। 10th और 12th के लिए होता है खाली, 9th और 11th के लिए नहीं होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो रेडीनेस असेसमेंट जो होता है 10th और 12th के लिए होगा, वो 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच होगा, यानी कि 1st ऑफ सितंबर से लेकर के और 15th ऑफ सितंबर के बीच में होगा। और टर्म एंड एग्ज़ाम जो होंगे 9th और 11th के होंगे, 15th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 15th ऑफ अक्टूबर तक चलेंगे। वहीं 10th और 12th के एग्ज़ाम 9th और 11th के चलेंगे, 15th सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 15th ऑफ अक्टूबर तक चलेंगे। और 10th और 12th के एग्ज़ाम 3 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 20 अक्टूबर तक चलेंगे, यानी कि 3rd ऑफ अक्टूबर से शुरू होंगे और 20th ऑफ अक्टूबर तक चलेंगे। ये आपका फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म के लिए आपका अनाउंसमेंट ऑफ क्रिएशन अचीवमेंट लेवल्स इन टर्म 1 फॉर क्लास 9 to 12, मीन्स उसे आपका रिजल्ट जो आएगा वो नवंबर में आ जाएगा। और दिसंबर में आपका टर्म 2 इंटरनल असेसमेंट, टर्म 1 का आपका जो हो जाएगा वो प्रोसेस हो जाएगा और सबमिशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट डाटा जो है आपका वो 15 दिसंबर तक सबमिट हो जाएगा। टर्म 2 के इंटरनल असेसमेंट का पहला जो आपका जो यूपी होगा, यानी कि 4th यूपी जो होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूपी आपके फर्स्ट टर्म में हो चुके, उसके बाद 4th यूपी जो होगा, 4th यूनिट प्लान होगा, उसका आपका सबमिशन जो होगा इंटरनल असेसमेंट का वो 15 दिसंबर तक होगा। उसके बाद रेडीनेस असेसमेंट होगा 10th और 12th क्लास का 20 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक 2024 में, यानी कि 20th ऑफ जनवरी से 15th ऑफ फरवरी तक 2024 में होगा। और टर्म 2 इंटरनल असेसमेंट जो आपका सबमिशन होगा वो 30 जनवरी 2024 तक, यानी कि 30th ऑफ जनवरी 2024 तक होगा। ये एक तरीके से आप बेटा जो रेडीनेस असेसमेंट कहा गया है इसे आप प्री बोर्ड समझ सकते हैं, प्री बोर्ड की तरह से होगा ये रेडीनेस असेसमेंट जो कहा जाता है। तो रेडीनेस असेसमेंट आपका पहला जो होगा 10th क्लास का वो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चलेगा, दूसरा आपका 20 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद टर्म 2 इंटरनल असेसमेंट आपका जो है, इंटरनल असेसमेंट जो है वो 30 जनवरी तक सबमिट होगा। और टर्म 2 का इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लास 9th और 11th, टर्म 2 का असेसमेंट एग्ज़ाम जो होंगे वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, फाइनल एग्ज़ाम सेकेंड टर्म के, और 15 मार्च तक चलेंगे। 9th और 11th क्लास के जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे वो होंगे आपके 15th ऑफ सितंबर से लेकर के 15th ऑफ अक्टूबर तक, और सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम जो होंगे वो होंगे आपके 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक। बेटे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें। और मार्च में टर्म 2 असेसमेंट फॉर क्लास 10th एंड 12th होंगे 1st ऑफ मार्च से लेकर के 20th ऑफ मार्च तक, यानी कि जो कि 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम जो होंगे, DBSE बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, वो 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और 20 मार्च तक चलेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ एकेडमिक रिजल्ट फॉर क्लास 9 और 11 जो है 30 मार्च को होगा, 30 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में हो जाएगा, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 9th और 11th का। और जो 10th और 12th का रिजल्ट है वो 1 मई से 15 मई के बीच में आएगा। इसमें आप एक चीज़ देख लीजिए कि फाउंडेशनल सब्जेक्ट 3 IAS यानी कि इन टर्म 1 एंड टर्म 2 और 2 IAS इन टर्म 2 जो कि आपके फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स वगैरह के, उनका आपका जो है टर्म 1 में आपके 3 इंटरनल असेसमेंट होंगे और टर्म 2 में आपके 2 इंटरनल असेसमेंट होंगे। यानी कि पहले आपके फर्स्ट टर्म में 3 यूनिट आ रही हैं और दूसरे टर्म में यानी कि सेकंड टर्म में 2 यूनिट आ रही हैं। साथ में स्पेशलाइज सब्जेक्ट, नंबर ऑफ IAS वेरीज फॉर ईच स्पेशलाइजेशन। टर्म 1 IAS आर टू बी सबमिटेड ऑन और बिफोर 30th of August 2023 एंड टर्म 2 इंटरनल असेसमेंट्स आर टू बी सबमिटेड ऑन और बिफोर 15th of February 2024। यानी कि फर्स्ट जो आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं उनके आपके वेरी करेगा
कि कितने आपके इंटरनल असेसमेंट्स होंगे, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, वो आपके टीचर्स आपको बता देंगे। लेकिन उनका जो आपका फर्स्ट टर्म का डेटा है वो 30 अगस्त 2023 से पहले सबमिट हो जाएगा, और सेकेंड टर्म का जो डेटा होगा वो आपका 15 फरवरी से पहले सबमिट हो जाएगा। तो ये है आपका पूरा का पूरा असेसमेंट कैलेंडर DBSE का 2023-24 के लिए बेटे, ठीक है। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इवन देन अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई रिपीट कि 9th और 11th का फर्स्ट टर्म के जो एग्ज़ाम होंगे वो होंगे 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, और सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम होंगे 15 फरवरी से 15 मार्च तक। 10th और 12th के दो रेडिनेस असेसमेंट होंगे जिन्हें आप रिवॉर्ड की तरह से समझ सकते हैं। पहला होगा 1 सितंबर से 15 सितंबर तक, दूसरा होगा आपका दूसरा जो असेसमेंट आपका होगा वो होगा 20 जनवरी से 15 फरवरी तक, और आपके फाइनल एग्ज़ाम जो होंगे, टर्म एंड एग्ज़ाम जिनको कहा जाता है, जो कि DBSE बोर्ड के होंगे आपके, वो 1 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक होंगे। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम आपके अब बहुत दूर नहीं है, जब डेट डिक्लेयर हो जाती है तो एग्ज़ाम दूर नहीं होते हैं, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको बेटे बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। अब मैं आपको दिल्ली बोर्ड का 10th क्लास का सिलेबस शेयर कर रही हूँ, जो कि 2023-24 में आपका रहेगा ऑल सब्जेक्ट्स बेटा। टर्म वन में कैसे रहेगा और टर्म टू में कैसे रहेगा वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कंटेंट है आपके सिलेबस फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए जो आपका सिलेबस है, आपके 3 यूनिट रहेंगे। फर्स्ट टर्म में एक्सप्रेशंस एंड इम्प्रेशंस फर्स्ट यूनिट है आपका, सेकेंड यूनिट है वी आर व्हाट वी बिलीव, एंड थर्ड यूनिट है सेलिंग अक्रॉस टाइम अनलॉकिंग क्रिएटिविटी। हिंदी के आपके 3 यूनिट हैं मानवीय मूल्य और समाज, ग्रामीण एवं शहरी जीवन संबद्धता, और तीसरा यूनिट है प्राकृतिक एवं सामाजिक तादात्म्य। इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज़ के लिए यानी कि सोशल साइंस जिसे आप कहते हैं, उसका आपका 3 यूनिट हैं बेटे, राइज ऑफ नेशनलिज्म, सेकेंड यूनिट है राइज ऑफ नेशनलिज्म ही है, और थर्ड है आपका डिलेमास ऑफ डेवलपमेंट। मैथ्स का आपका सिलेबस है 3 यूनिट है इसमें भी, फर्स्ट यूनिट है आपका अलजेब्रा, सेकेंड है नंबर सिस्टम, और थर्ड है ज्योमेट्री। साइंस में भी आपके स्टेम वालों का सिलेबस बेटे अलग होता है, और जो नॉन स्टेम होते हैं यानी कि हाई एंड 21st सेंचुरी और आर्मी स्कूल्स, आपके ह्यूमैनिटीज़ वाले, और साथ में जो आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले होते हैं, उनका सिलेबस अलग होता है। तो बेटा जो आपके एक सिलेबस है स्टेम का, उसमें आपका जो यूनिट वन है वो है एनर्जी नीड्स एंड इंटरेक्शन, सेकेंड यूनिट है आपका द लिविंग वर्ल्ड एंड इट्स इंटरेक्शन, एंड थर्ड यूनिट है एलिमेंट्स जर्नी फ्रॉम फिजिकल टू बायोलॉजिकल वर्ल्ड। और सिलेबस फॉर नॉन स्टेम है आपका फूड हैबिट्स एंड स्टोरेज, यूनिट 2, यूनिट 3 आपका अभी हम शेयर करेंगे किस तरह से है। और सिलेबस फॉर EMDD कंडक्ट ऑन ऑनलाइन सर्वे, दूसरा यूनिट आपका रहेगा इनोवेटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ डेली यूज प्रोडक्ट, थर्ड यूनिट रहेगा आपका डिजिटल 3D मॉडल ऑफ अ डेली यूज प्रोडक्ट। किस तरीके से इसे आप हम इलेबोरेट कर लेंगे। इंग्लिश का सिलेबस जो है आपका, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सप्रेशंस एंड इंप्रेशंस जो आपका पहला यूनिट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कंटेंट है इसका एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माइकल ओबामाज बायोग्राफी एंड महावीर सिंह फोगाट्स बायोग्राफी, नोट्स ऑन वेरियस रोल मॉडल्स एंड राइटिंग स्किल्स हैं आपकी बायोग्राफीज हैं, ग्रामर में आपका है टेंसेज हैं, पास्ट एंड पास्ट प्रोग्रेसिव टेंसेज हैं, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड है, और पंक्चुएशन मार्क्स हैं कॉमास कॉलन कोटेशन मार्क्स जैसे। वोकैबुलरी में आपका फीलिंग वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं। कॉम्पिटेंसीज में रीड टू अप्रिशिएट एस्थेटिक एंड लिटरेसी, एनालाइज इंटरप्रेट इन्फर इवेल्युएट फ्रीक्वेंस कोरिलेट आइडियाज। असेसमेंट क्राइटेरिया है आपका, ऑब्जेक्टिव ए है आपका एनालिसिस 1 और 5, ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव सी है प्रोड्यूसिंग टेक्स्ट 1 और 3, ठीक है। तो आपका यूनिट 2 है वी आर व्हाट वी बिलीव, कंटेंट आपका एलिमेंट्स एंड फीचर्स ऑफ अ फोक टेल, राइटिंग स्किल है आपकी स्टोरी राइटिंग है इसमें, और ग्रामर में है ईडियम्स एंड फ्रेजेस वॉइस एंड मॉडल्स। कॉम्पिटेंसीज हैं रेडी टू अप्रिशिएट एनालाइज इंटरप्रेट इन्फर इवैल्यूएट सीक्वेंस कोरिलेट आइडियाज। असेसमेंट क्राइटेरिया है आपका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस 1, 2, 3, 4 एंड ऑब्जेक्टिव डी यूजिंग लैंग्वेज 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका एनालिसिस के क्राइटेरियाज हैं, टीचर्स के लिए है बेटा, आप अपने केवल चैप्टर्स आप इसमें नोटिस कीजिए। यूनिट 3 जो है आपका सेलिंग अक्रॉस टाइम अनलॉकिंग क्रिएटिविटी। कंटेंट है आपका ट्रैवलॉग है इसमें, ट्रैवल बुक जो कि काठमांडू पर है आपका, एंड देन ट्रैवल राइटिंग है पोएट्री ट्रैवल फ्रॉम स्टीवेंस
राइटिंग स्किल्स हैं आपकी ट्रेवल ब्लॉग और ग्रामर में यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच और डिटरमिनर्स। आपकी कॉम्पिटेंसीज क्या क्या होनी चाहिए, रेडी टू अप्रिशिएट फ्रेम चल रही है बेटा, एनालाइज इंटरप्रेट इन्फो इवेल्यूएट सीक्वेंस कोरिलेट आइडियाज असेसमेंट क्राइटेरिया आपका ऑर्गेनाइजेशन 1, 2, 3 एंड ऑब्जेक्टिव डी है आपका यूजिंग लैंग्वेज 1 एंड 2। यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट विल बी अपलोडेड ऑन द करिकुलम ड्राइव शेयर विद स्कूल्स। ये आपका इंटरनल असेसमेंट जो है वो आपके टीचर्स अपने आप अपलोड करेंगे, इससे आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। सिलेबस हिंदी का बेटा, हिंदी में आपके 3 यूनिट हैं। पहला यूनिट है आपका मानवीय मूल्य और समाज, इसमें आपके 2 पार्ट हैं, एक वृक्ष की हत्या जो कि कविता है कवि कुंवर नारायण की, और दूसरा पार्ट है आपका भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है जो कि एक निबंध है जिसे भाषण के तौर पर भाषण दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, खुद ही लिखा था इसको। व्याकरण में आपका इसमें आ रहा है विज्ञापन लेखन। दूसरा यूनिट है आपका ग्रामीण एवं शहरी जीवन संबद्धता, जिसका एक हेड है, इसके अंतर्गत 2 पार्ट हैं आपके, बुद्ध बारूद और पहाड़ जो कि एक यात्रा वृतांत है मधुकांकरिया का, और दूसरा सफ़ेद रात जो कि कविता है आलोक धनिया की। भाषा एवं व्याकरण के अंतर्गत आपका संवाद लेखन है, समीक्षा लेखन है, निबंध लेखन है और यात्रा वृतांत लेखन है। तीसरा आपका यूनिट जो आएगा वो आएगा प्राकृतिक एवं सामाजिक तादात्म्य, इसमें 2 पार्ट रहेंगे आपके, अट नहीं रही कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और बाल गोविंद भगत का रेखाचित्र है जिसके के लेखक हैं रामरक्ष वेनीपुरी जी। साथ में व्याकरण में आपका रस की परिभाषा और उसके 9 रसों के मुख्य भेद आपके आएंगे। आपका इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज का सिलेबस, फर्स्ट यूनिट है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म जो कि हिस्टोरिकल एम्पैथी है, सोर्स एनालिसिस द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एलेगोरी एंड विजुअलाइजेशंस ऑफ नेशन, वियना सेटलमेंट ऑफ 1815, लिबरल नेशनलिज्म एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कन्वर्सेशंस, रिवॉल्यूशनरी रिवोल्ट ऑफ 1830, रिवोल्ट ऑफ 1848, मेजर इवेंट्स एंड पीपल इन द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड नियो कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये आपके टॉपिक्स हैं बेटा जो दिए हुए हैं। आइडिया ऑफ सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कॉजेज डिफरिंग स्टैंड्स विद द मूवमेंट एंड विड्रॉल, देन बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आइडिया ऑफ स्वराज, रिवोल्यूशनरी स्ट्रेंथ, गांधीयन कंस्ट्रक्टिव वर्क्स एंड सोशलिस्ट मूवमेंट, और आपका टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कॉजेज डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट, पार्टीशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये आपका फर्स्ट यूनिट से जो आपका फर्स्ट यूनिट प्लान है उसके टॉपिक्स थे। सेकेंड है आपका यूनिट प्लान राइज ऑफ नेशनलिज्म, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स कंजर्वेशन, सॉइल क्लासिफिकेशन, इरोजन एंड कंजर्वेशन। दूसरा है आपका इसमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया, कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, अप्रोचेज टू कंजर्वेशन, डीप इकोलॉजी एंड ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, एंड देन IUCN क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। थर्ड है आपका लेसन इसमें वाटर रिसोर्सेज, वाटर स्कैरसिटी, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। थर्ड यूनिट प्लान है आपका इसमें डिलेमाज ऑफ डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, वन और मैनी, दैन इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, कंपेरिजन ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट्स, पब्लिक फैसिलिटीज, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, दैन जेंडर रिलीजियन एंड कास्ट, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिजुडिस, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर, फेमिनिज्म, कास्ट एंड पॉलिटिक्स रिलीजियन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। देन आपका है मनी एंड क्रेडिट, बार्टर सिस्टम एंड इट्स लिमिटेशंस, फॉर्म्स ऑफ मनी एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स, सोर्स ऑफ क्रेडिट, लोन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड माइजरलीनेस एंड थ्रिफ्टीनेस। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू GDP एंड एम्प्लॉयमेंट, राइज ऑफ टर्शियरी सेक्टर, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बिटवीन 3 सेक्टर्स, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, सेक्टर्स ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये सारा का सारा आपका इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का सिलेबस है। एंड देन सिलेबस ऑफ मैथ्स, फर्स्ट यूनिट है आपका अलजेब्रा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका फर्स्ट यूनिट है जो कि अलजेब्रा के अंतर्गत आएगा। देन है नंबर सिस्टम, सेट्स, रियल नंबर्स, प्रूविंग इरेशनलिटी एंड क्लैरिटी ऑफ रेशनैलिटी एंड रियल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स इन जनरल फॉर्म। देन यूक्लिड एल्गोरिथम एंड HCF एंड LCM, यहाँ पर सेकेंड यूनिट है नंबर सिस्टम, एंड देन थर्ड इज ज्योमेट्री,
मैग्नीफाइंग टू दी ज्योमेट्री सिमिलरिटी एंड सर्कल्स प्रॉपर्टीज विद रेलिवेंट थियरम्स. सेकेंड है इसमें कॉर्डिनेट ज्योमेट्री विद डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. देन मूविंग अहेड इन 3D ज्योमेट्री एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. ये आपका मैथ्स का सिलेबस है. इसके बाद आपका सिलेबस फॉर साइंस स्टेम वाले बच्चों का बेटे अलग है और नॉन स्टेम वाले बच्चों का साइंस का सिलेबस अलग है. तो पहले मैं स्टेम वाले बच्चों का सिलेबस बता रही हूँ. फर्स्ट यूनिट है आपका एनर्जी नीड्स एंड इंटरेक्शन. चैप्टर 1 है लिंकेजेस इन बॉडी सिस्टम पार्ट 1. न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. चैप्टर 2 है केमिकल रिएक्शंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस दैट इम्पैक्ट आवर लाइफ टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस एंड कैटेगराइजिंग रिएक्शंस इनटू डिफरेंट टाइप्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड डेली लाइफ. चैप्टर 3 है केमिकल्स एंड देयर नेचर, स्टडी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, सम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स इन आवर डेली लाइफ इन किचन एंड लिविंग थिंग्स. सेकेंड यूनिट आपका रहेगा लिविंग वर्ल्ड एंड इट्स इंटरेक्शंस. चैप्टर 4 है इसमें लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई प्लेन एंड कर्व सर्फेसिस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाई स्फेरिकल लेंस, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लेंस फार्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन, पावर ऑफ लेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज. चैप्टर 5 आपका रहेगा ह्यूमन आई पर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्रामेटिज्म एंड देयर करेक्शंस, प्रोटेक्शन ऑफ आईज, ऑब्जर्विंग डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ऑब्जर्विंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रीजंस बिहाइंड ब्लू कलर ऑफ स्काई, डेंजर सिग्नल्स आर ऑलवेज मेड रेड, द सन अपीयर्स रेडिश ऑरेंज ड्यूरिंग द इवनिंग एंड मॉर्निंग, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इन डेली लाइफ. देन चैप्टर 6 इज लिंकेजेस इन बॉडी सिस्टम पार्ट 2, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, देन रोल ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, अदर बायोमोलिक्यूल्स, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये आपका सेकेंड यूनिट था. थर्ड यूनिट इज एलिमेंट्स जर्नी फ्रॉम फिजिकल टू बायोलॉजिकल वर्ल्ड. ये है स्टेम वाले बच्चों का सब्जेक्ट जैसे सिलेबस. चैप्टर 7 द यूनिवर्स ऑरिजिन द बिग बैंग थियरी, गैलेक्सीज इंट्रोडक्शन ऑफ गैलेक्सी द मिल्की वे, स्टार्स व्हाट इज अ स्टार, लाइफ स्टाइल ऑफ स्टार, ब्लैक होल, द सन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स, CER एंड सोर्न एक्सपेरिमेंट. चैप्टर 8 है आपका एलिमेंट्स इन आर लाइफ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद अदर एलिमेंट, रिएक्टिविटी सीरीज, यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन डेली लाइफ, करेक्ट वेज ऑफ स्टोरिंग डिफरेंट फूड, मेटल करोजन एंड प्रिवेंशन, केस स्टडीज लाइक वाई इंडियन रेलवे इज रिपेयरिंग 150 ईयर्स ओल्ड ब्रिजेस, लोहा पुल, अशोका पिलर, प्रेजेंस ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स इन कंबाइंड स्टेट इन द लिविंग वर्ल्ड. एंड चैप्टर 9 इज इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स, हेल्थ एंड थियोरी एंड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, डार्विनिज्म एंड लामार्किसिज्म, इंट्रोडक्शन एविडेंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड म्यूटेशन. ये आपका साइंस का स्टेम वाले बच्चों का सिलेबस था. नॉन स्टेम मीन्स टू से हाई एंड 21st सेंचुरी, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, ह्यूमैनिटीज एंड आर्मी स्कूल्स के लिए जो सिलेबस रहेगा वो इस तरीके से है. चैप्टर 1 फूड हैबिट्स एंड स्टोरेज, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे आपके, फूड हैबिट्स एंड स्टोरेज, हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड, रीजन वाइज फूड हैबिट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफिकली अवेलेबल फार्म प्रोडक्ट, जुडिशियस कंजम्पशन ऑफ फूड, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ क्रॉप स्टोरेज, प्रोटेक्टिंग क्रॉप फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस, फूड प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज, फूड इंडस्ट्री, डेयरी फार्मिंग, फूड एडल्ट्रेशन, ड्रॉपसी एंड एसोसिएटेड डिजीजेस, सोशियो साइंटिफिक इश्यूज रिलेटेड टू फूड, ओवर प्रोडक्शन एंड डिवेल्यूएशन ऑफ क्रॉप्स. ये आपका फर्स्ट यूनिट रहेगा. सेकेंड यूनिट इज केमिकल रिएक्शंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस दैट इम्पैक्ट आवर लाइफ थ्रू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस एंड कैटेगराइजिंग रिएक्शंस इन डिफरेंट टाइप्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ. चैप्टर 3 इज लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई प्लेन एंड कर्व सर्फेसिस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई स्फेरिकल लेंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेंस फार्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, एप्लीकेशन ऑफ मिरर एंड लेंसेज. ये आपका फर्स्ट यूनिट होगा. एंड देन सेकेंड यूनिट इज ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मैटिज्म एंड देयर
corrections. Protections of eye, protection of eyes, observing dispersion of light through a prism, formation of a rainbow, observing scattering of light, reason behind blue color of the sky, danger signals are always made red, the sun appears reddish orange during the evening and morning. Application of properties of light in daily life. Chapter 5 is acid, bases and salts. Study of the chemical properties of acids, bases and salts, organic and inorganic. Then strength of acids and bases, organic and inorganic. Some acids, bases and salts in our daily life, in kitchen and living room. Chapter 5 and then chapter 6 is linkages in body system part 1. Nutrition in living organism, respiration in living organisms, transportation in living organisms and excretion in living organisms. Ye aapka jo hai unit 2 tha. Unit 3 is the universe. Unit origin, the Big Bang theory. Galaxies, introduction of galaxy, the Milky Way. Stars, what is a star, life cycle of a star. Black hole, the sun, structure and composition. Story of formation of elements and CERN experiment, CERN. Chapter 8 is elements in our life, physical and chemical properties of metals and non-metals, reaction with other elements. Reactivity series, uses of metal and non-metals in daily life, correct ways of storing different food, metal corrosion and preventions, case study like why Indian Railways is repairing 150 years old bridges, Loha Pool, Ashok Pillar. Presence of metals, non-metals in combined state in the living world. Chapter 9 will be linkages in body system part 2, control and coordination in human beings and plants, role of specific elements in control and coordination, enzymes, hormones, other biomolecules and reproduction in living organisms. Yeh aapka non-STEM walo ka science ka syllabus hai bete. And then syllabus for EMDD will be conduct on online survey. First unit plan hai aapka P3 review systematic problem solving process, P4 reviewing SDGs relating them to your life. Question 1, explore local problem solving opportunities related to SDGs, select a problem to pursue further. Question 3 will be problem selection and elaboration. R2 will be create and conduct the survey. Unit 2 is innovative requirements of a daily use product. P1, 2D, 3D modeling of products. Q1, choose a daily life product for innovation. R1, brainstorm ideas for to satisfy requirements, and S1 will be discuss product design with peers and relative feedback. Strengths A1, B2, D2. Unit 3 will be digital 3D model of a daily use product. Question 1 hai aapka Q1 hai, make a plan and create the base shape. R1 will be share feedback on product models, and R2 will be improve your product model. Strength will be C1, D3 and D4. Ye aapka pura ka pura syllabus ho gaya 10th क्लास का, जो कि हमने अभी शेयर किया. साथ में हमने असेसमेंट कैलेंडर शेयर किया बेटे. ये पूरा का पूरा आपका 10th के लिए है. इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए बेटा. कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. ऑल द बेस्ट बेटे. जय हिंद, जय भारत.